नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित, आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बहुत सारे जियो के रिलेटेड वीडियो दिए हैं कि आपको किस तरह से सिम मिल सकता है, आप किस तरह से उसे एक्टिवेट कर सकते हो, किस तरह से आप उसको अदर फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो, आपका 3G कैसे यूज़ कर 4G कैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने 4G को जो डेटा है 2GB को उसे अनलिमिटेड कैसे कर सकते हो, वो सारे वीडियो हमने आपको बनाए। वो सारे अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उसके सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी और यहाँ पे जो आई बटन शो कर रहा है वहाँ से भी आप वो सारे वीडियो देख पाओगे। दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज़र है तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पर आईफोन से रिलेटेड कोई भी जियो के लिए वीडियो नहीं बनाया, जो आज मैं बना के दे रहा हूँ आप सबको। तो दोस्तों, आज आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने आईफोन में जियो का सिम कार्ड एक्टिवेट और उसे यूज़ भी कर पाओगे। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको इसके बारे में ही हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप आईफोन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपके पास आईफोन 5S, 5, 6, 6S, 6 प्लस या फिर 6S प्लस, आप कोई भी आईफोन यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप उस फ़ोन पे किस तरह से जियो का सिम कार्ड आप एक्टिवेट, इवन आप किस तरह से उस फ़ोन के लिए आप जियो का सिम परचेज कर सकते हो फ्री में, वो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से उस पे आईफोन पे iOS पे आप जियो का सिम कार्ड खरीद पाओगे फ्री में, मुफ्त में आप मतलब ले पाओगे और उस पे आप एक्टिवेट भी कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास आईफोन है तो आपको जियो का सिम कार्ड लेने के लिए मुफ्त में आपको सबसे पहले ये प्रोसीजर करनी पड़ेगी। आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन, वो चाहे 3G हो या 4G हो, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन, उससे आपको बारकोड बनाने हैं। जो बारकोड कैसे बनाते हैं, वो रिलायंस जियो के प्रीव्यू ऑफर के लिए एक बारकोड आता है, वो किस तरह से बनाते हैं, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप वहाँ से उसे चेक कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले तो उसके लिए आपको एक बारकोड क्रिएट करना है। बारकोड क्रिएट करने के बाद आपको रिलायंस डिजिटल स्टोर पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको वो बारकोड शो करना है और आपको एक सिम लेना है। सिम लेने की प्रोसेसर आपको पता ही होगी किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पे देने हैं और आपको सिम मिल जाएगा। अगर आपको वो सिम देने से ना बोले, मना बोले, तो आप किसी और स्टोर पर ट्राई कीजिए, या तो फिर आपके किसी सैमसंग फ़ोन वाले फ्रेंड की हेल्प लीजिए, जो आपको सिम दिलाने में मदद कर पाएंगे। आप उनका फ़ोन लेके जाइए, आप वो फ़ोन बताइए और आपको सिम मिल ही जाएगा। आप कोई ना कोई स्टोर से तो आपको सिम मिल ही जाएगा। तो आप सबसे पहले सिम ले लीजिए। आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा उसे एक्टिवेट होने के लिए, आप उसका एक्टिवेशन करने के लिए। अभी वो आप अलग अलग सिटी पे डिपेंड है कि वहाँ कौन सी सिटी में कितने टाइम में वो एक्टिवेट कर देते हैं रिलायंस डिजिटल वाले। कई कई सिटी में एक एक हफ्ता भी लग जाता है, तो कई सिटी में सिर्फ 24 घंटे में भी वो एक्टिवेट हो जा रहा है। तो आपको वो तो आपकी सिटी पे डिपेंड है कि वो कितना टाइम लगेगा, बस तो आपको उसका वेट करना है। आपको रेडी टू यूज़ वाला एक SMS आएगा आपके अल्टरनेट नंबर पे, उसका वेट करना है। जैसे ही वो आ जाए तो आप वो सिम को आप अपने आईफोन में इंसर्ट कर दीजिए। आईफोन में इंसर्ट आप जैसे ही कर दोगे तो आपको 4G के नेटवर्क आ जाएंगे। तो 4G के नेटवर्क आपको जैसे आते हैं वैसे आपको उसे अभी एक्टिवेट करने की प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से एक्टिवेट करना है। आपको कॉल करना है 1-800-890-1977 पे। ये जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ से ले लीजिएगा। आप उस नंबर पे कॉल कीजिए। आपको सबसे पहले डेटा को वेरीफाई करवाना है, डेटा आप वहाँ से आप उसे डेटा को अपने एक्टिवेट करवा देना है, तो आप वहाँ से आप डेटा को एक्टिवेट कर पाओगे। और उसके बाद आपको वो सिम चाहे तो आप किसी दूसरे फ़ोन में डाल के भी, या तो फिर आईफोन में तो जियो ज्वाइन का ऐप नहीं रहता है, तो आप मेरे ख्याल से आप ये एक्टिवेट भी कराओ तो आप किसी अपने दूसरे एंड्रॉयड जो 4G सपोर्टेड हो उसमें डाल के आप एक्टिवेट करवा दीजिए। और वैसे ही जैसे वो एक्टिवेट हो जाएगा, बाद में आप आईफोन में इसे बड़े आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। दोस्तों, जियो का सिम एक बार एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप उसे किसी भी कोई भी 4G फ़ोन रहेगा उस पर आप यूज़ कर पाओगे। मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स की कमेंट आ रही है कि मैं इसे इस पर यूज़ कर पाऊँगा, इस पर यूज़ कर पाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि रिलायंस जियो का कार्ड आप
किसी भी 4G फ़ोन पे यूज़ कर पाओगे। अगर आपका फ़ोन 4G सपोर्टेड है तो आप यूज़ कर पाओगे, और अगर आपका फ़ोन LTE सपोर्ट नहीं करता है तो आपको कॉल करने के लिए आपको सिंपली जियो जॉइन ऐप का यूज़ करना पड़ेगा, उससे आप कॉल कर पाओगे। और आईफोन में सॉरी टू से, लेकिन आप आईफोन में जियो के सिम कार्ड का सिर्फ डेटा ही यूज़ कर पाओगे आईफोन 5, 5S, 6 एंड 6 प्लस पे। 6S और 6S प्लस पे आप उसे वॉल्टी अनेबल है, इसलिए आप उस पर कॉल का बेनिफिट आप ले पाओगे अनलिमिटेड कॉल का। लेकिन 6 और 6 प्लस 5, 5S, 5C जो एक्सेट्रा जितने भी सारे आईफोन के फ़ोन हैं वो वॉल्टी सपोर्ट नहीं करते, तो आप उस पर ना ही आप मतलब फ्री कॉलिंग का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, और ना ही एंड्रॉयड के जैसे उसके लिए आईफोन iOS के लिए जियो जॉइन का ऐप है, तो आप उसे एप्लीकेशन के थ्रू भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ आप उस पर डेटा यूज़ कर पाओगे। तो इस तरह से आप अपने आईफोन पे जियो का सिम कार्ड एक्टिवेट कर पाओगे और उसे यूज़ भी कर पाओगे। अगर आपका मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईफोन 6S और 6S प्लस ही सिर्फ वॉल्टी को सपोर्ट करता है, इसलिए आप उसी फ़ोन से मतलब फ्री कॉलिंग का फ़ायदा उठा पाओगे, नहीं तो आप उस पर दूसरे आईफोन पे नए मॉडल पे आप उस वॉल्टी सपोर्ट नहीं करता है, तो आप नहीं उसका बेनिफिट उठा पाओगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की अलर्ट मिलती रहे। तो दोस्तों अभी हम आपको दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।